गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड टुडे आई एम द होस्ट फॉर डेक्सड्रोन प्रेजेंटेशन। मैं एज अ कॉन्टिनेंट हेड काम कर रहा हूँ डेक्सड्रोन के लिए। आई एम वर्किंग एज अ डेक्सड्रोन कॉन्टिनेंट हेड वेयर आई एम टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट्स बिजनेस रिलेटेड ऑल द डिसीजंस एंड ऑपरेशंस। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस प्रेजेंटेशन के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए हो। ऑफ कोर्स ये प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और जो ये प्लान है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ झूठे वादे या फिर झूठी कमिटमेंट इस प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं की जाएगी। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मार्केट में अभी हो रहे हैं, जो कंपनी कर रही है, उसी के बारे में ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बेसिस पे फिर आपके हाथ में डिसीजन है कि उसे आप कैसे लेते हो, उस पर्टिकुलर बातों से आप कितने प्रभावित होते हो और फिर इस प्लान को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, दैट इज अप टू यू। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इमीडिएटली प्रेजेंटेशन के लिए स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ। डेक्सड्रोन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। द कंपनी इज बेसिकली बेस्ट आउट ऑफ कनाडा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कनाडा से है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी डेक्सड्रोन वेबसाइट पर www.dexdrone.com पर आपको मिल जाएगा। उसी के साथ वहां पे एक कैनेडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट की लिंक भी है जहां से आप चेक कर सकते हो कि ये कंपनी सच में रजिस्टर्ड है या नहीं। इनकी ओनर जो है उनका नाम है एमा ओकीफे। वो कनाडा की रेसिडेंट है, फ्रेंच कैनेडियन है, ओंटारियो में रहती है। 10 साल से शी इज वर्किंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। उनका फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना ज्यादा महारत हासिल की हुई है कि उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की टीम, खुद का सेटअप डेवलप किया है जिसके जरिए वो मंथली बेसिस पर 80% से लेकर 150% तक ग्रोथ अचीव करती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करती है। 10 साल में उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया है। इन कंपनीज के साथ काम करते हुए उन्होंने काफी अलग अलग रोल्स प्ले किए, जहां पे कुछ कंपनीज के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया, कुछ कंपनीज के लिए उन्होंने ऑपरेशंस का, मार्केटिंग का, ये सब अलग अलग रोल्स प्ले किए। एंड आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी कंपनीज, आफ्टर 10 ईयर्स यू कैन से कि शी हैव अ थॉट ऑफ स्टार्टिंग हर ओन प्रोजेक्ट। ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले कुछ अलग अलग थॉट्स थे। कंपनी ने काफी स्टडी किया मार्केट में कि कौन से प्लान्स अवेलेबल है, अभी तक कौन से प्लान्स हो चुके हैं और कौन से प्लान्स अभी चल रहे हैं मार्केट में। उन सभी प्लान्स का एनालिसिस करने के बाद डेक्सड्रोन का प्लान बनाया गया है। डेक्सड्रोन एक काफी स्टडीड प्लान है जहां पे ये फोकस किया गया है कि कंपनी ऐसी चीजों में काम करे जहां से एक्चुअल रेवेन्यू जनरेशन हो और उसी में से ही हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स दिए जाए। मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जो अलग अलग प्लान्स लेकर आती है बट सस्टेन नहीं कर पाती है। उनका सस्टेन नहीं करने के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है, वो है कि इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फंड्स। उनको सिर्फ रोटेशन पॉलिसी करनी होती है कि जो फंड आएगा उसको ही घुमाकर वापस लोगों में देंगे। जिस दिन फंड आना कम हो जाता है तो दो ही ऑप्शंस बचते हैं, एक तो कंपनी को बंद किया जाए या फिर जो उनके प्लान की वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जाए। डेक्सड्रोन यहाँ पे कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट करेगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेशन सोर्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्लान का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। अगर ये डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता कंपनी के पास तो शायद डेक्सड्रोन को लॉन्च ही नहीं किया जाता। सो डेक्सड्रोन को लॉन्च करने के पीछे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के पास एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आप लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे। और इसी बात से ये पता चलता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत अच्छा है। कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही है, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक कंपनी मार्केट में रहना चाहती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि रेवेन्यू जनरेशन और अलग अलग
प्रोडक्ट से मिल पाए और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े। आप सभी लोगों को पता है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, फ्यूचर में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी, बट उसकी जो वोलाटिलिटी है उसको कंसिडर करके उसकी डिपेंडेंसी कम करना बहुत जरूरी है। सो कंपनी और एक विजन के साथ उतरी है मार्केट में, कम से कम 180 कंट्रीज में अवेलेबल होना है और कम से कम 10 करोड़ मेंबर्स इस कंपनी के होने चाहिए। ये कंपनी का विजन कंपनी बहुत ही ज्यादा सटीक प्लानिंग के साथ मार्केट में उतरी है, इसीलिए जो भी प्लान अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आप उसको गौर से देखिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए और फिर आपको सही डिसीजन लेना है कि इस प्लान में आप उतरना है या नहीं उतरना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपनी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, इसीलिए कंपनी ने जो भी काम कर रहे हैं उस काम का सारा प्रोसेस सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, प्लान को भी इसी तरीके से और पूरे सिस्टम को भी इसी तरीके से सिंपल बनाया है कि कोई भी इस सिस्टम को समझ सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाला इनकम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें नहीं रखी है, सारे लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। कंपनी के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको जिन लोगों ने इस प्लान के लिए रेकमेंड किया है उनसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक ले लीजिए या फिर उनका स्पॉन्सर आईडी ले लीजिए, www.dexdon.com पर जाकर वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर, स्पॉन्सर आईडी डालकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। इस प्लान में आप फंड डिपॉजिट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तीन टाइप की क्रिप्टो करेंसीज है जिनमें आप आपका फंड डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट वाला है बिटकॉइन, जो काफी पॉपुलर है, जिसका यूटिलिटी हर ट्रांजेक्शन में होता है। दूसरा है इथेरियम एंड तीसरा है ट्रॉन। इन तीन क्रिप्टो करेंसी में आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हो और इन्हीं तीन क्रिप्टो करेंसी में आप आपका फंड विड्रॉ भी कर सकते हो। अब आते हैं कि कंपनी आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या क्या रिटर्न्स दे रही है। डेक्सडॉन का मैं जब बोलता हूँ कि डेक्सडॉन कंपनी ने मार्केट में आने से पहले काफी मार्केट एनालिसिस किया हुआ है, सारे प्लान्स के बारे में स्टडी किया है, तो इस बेसिस पे मैं आपको ये दावे से कहना चाहूंगा कि कंपनी ये दावे से कहती है कि डेक्सडॉन इज दी ओनली प्लान जो आपको आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे इमीडिएट रिटर्न्स दे रही है। बड़े से बड़े पॉपुलर प्लान जो मार्केट में चल रहे हैं 8-10 महीने से, जिनके साथ डेक्सडॉन को कंपेयर किया जा रहा है, वैसे प्लान भी आज आपको इमीडिएटली आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं देते हैं। दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट स्ट्रक्चर, दे आर आस्किंग यू टू डू रिक्रूटमेंट, दे आर आस्किंग यू टू गेट द बिजनेस। वो आपको बोलते हैं कि बिजनेस लाओ और फिर उसके ऊपर हम आपको रिटर्न्स देंगे। अब जब इस हिसाब से काम हो रहा है मार्केट में फिर भी लोग उनके पास जा रहे हैं, तो डेक्सजॉन तो आपको आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न्स दे रहा है। आप $50 का आईडी लगा दीजिए, उसके साथ आपको इमिडिएटली रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कंपनी ने $50 का आईडी क्यों रखा है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी कंपनी के साथ जुड़े एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉफिट अर्न करने की, रेवेन्यू अर्न करने की। इसीलिए सिर्फ $50 का इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, मिनिमम $50 से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसी पे भी आपको विदाउट कुछ काम किए इनकम मिलना चालू हो जाता है। वो कैसे है उसके बारे में अभी आप जानते हैं। देर आर 6 टाइप्स ऑफ इनकम टाइप्स जो कंपनी आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रही है। द फर्स्ट वन इज डेली आरओआई ऑफ 1%। कंपनी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे डेली 1% का आरओआई दे रही है, रिटर्न्स दे रही है आपके अकाउंट में फॉर मंडे टू फ्राइडे फॉर 200 डेज। मतलब 200 दिन के लिए, इवन इफ यू डोंट वर्क, अगर आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको 1-1% मिलते रहेगा। दैट मीन्स
अगर आप 200 दिन तक कुछ भी काम नहीं करते हो तो भी आपके अकाउंट में $100 डिपॉजिट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको $100 तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे 20-20 डॉलर बनते हैं आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 200 दिन तक कुछ भी नहीं करते हो फिर भी आपके अकाउंट में 200 दिन में $100 बन जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट पे विदाउट काम किए बगैर आपको रिटर्न्स दे रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन करंट सिचुएशन। आज की सिनारियों में कोई भी विदाउट काम किए बगैर पैसा नहीं देता है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाके देखिए, यहाँ पे आपको कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट पे इमीडिएटली डेली 1% ROI दे रही है। डेक्सोन एयर ड्रॉप्स ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है जो कंपनी आपको दे रही है आने वाले समय में। इन फ्यूचर दिस पर्टिकुलर डेक्सोन एयर ड्रॉप्स विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला रिसोर्स होगा आपके लिए। डेक्सोन खुद का कॉइन लॉन्च कर रहा है, इस कॉइन को एक पर्टिकुलर डॉलर में वैल्यू होगी जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसके अलावा डेक्सोन कॉइन का यूटिलाइजेशन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कर पाओगे, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, मोबाइल वाउचर्स रिफिल करने के लिए, अलग अलग ब्रांड्स के वाउचर्स खरीदने के लिए, ऐसे अलग अलग जगहों पे आप डेक्सोन कॉइन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फ्यूचर में जब डेक्सोन कॉइन जो एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो रहा है उन एक्सचेंजेस पे जाके इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी सर्टन वैल्यू उसके अगेंस्ट में आप डेक्सोन कॉइन को एक्सचेंज कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेक्सोन विल एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नियर फ्यूचर, जहाँ पे आपको डेक्सोन जितने भी ज्यादा आपके पास रहेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मेरा सब लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग जितना ज्यादा डेक्सोन कॉइन एक्युमुलेट करके रख सकते हो उतना ज्यादा डेक्सोन कॉइन्स एक्युमुलेट करके रखिए, फ्यूचर में आपको दिस विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। थर्ड इनकम टाइप जो कंपनी आपको दे रही है वो है सुपर मैचिंग बोनस। कंपनी ये बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस से मार्केट में उतरी है कि वीकली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे इन्वेस्टर्स की वजह से हो रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन हमारे इन्वेस्टर्स को वापस जाना चाहिए, इसीलिए कंपनी आपको वीकली बेसिस पे अर्निंग दे रही है। एफिलिएट जो आपके नीचे ज्वाइन होते हैं उनको एफिलिएट बोलते हैं। कंपनी ने उन एफिलिएट्स के बेसिस पे आपके कुछ रैंक्स डिसाइड किए हुए हैं। कंपनी ये बोलती है कि देर आर 12 रैंक्स इन द सिस्टम, 12 डेजिग्नेशंस, एस, हेराल्ड, गार्डियन, क्रूसेडर से लेकर इमॉर्टल तक, ऐसे 10 रैंक 12 रैंक है आपके पास। इन 12 रैंक्स को अचीव करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, आप जैसे जैसे वो क्राइटेरिया अचीव करते जाओगे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। हर रैंक के लिए वीकली अर्निंग रखा हुआ है, अगर आप एस हो तो आपको $4 मिलेगा, आप हेराल्ड हो तो $6, गार्डियन हो तो $10, ऐसे आप अगर इमोर्टल हो तो आपको $10,000 आपकी अकाउंट में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 52 वीक्स के लिए आपको जो भी आपने रैंक अचीव की है वो 52 वीक्स के लिए आपको मिलती रहेगी। दैट मीन्स अगर आप हेराल्ड हो तो आपको $6 52 वीक्स के लिए मिलते रहेंगे विदाउट परफॉर्मिंग, अगर आप कुछ काम नहीं भी करते हो तो भी आपको ये कंपल्सरी मिलते रहेंगे। अब आप हेराल्ड बनते कैसे हो, तो 3S आपके लेफ्ट में है, 3S राइट में है तो आप हेराल्ड बन जाते हो, 7S लेफ्ट में, 7S राइट में हो तो गार्डियन बन जाते हो। कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा है कि आपको नेक्स्ट डेजिग्नेशन अगर अचीव करनी है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब आपने अगर ऑलरेडी 3S लेफ्ट में 3S राइट में कर दिए थे आप ऑलरेडी हेराल्ड बन गए थे, बट अगर आपको अभी गार्डियन बनना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है और 7 नए S लेफ्ट में, 7 नए S राइट में करने पड़ते हैं, तब जाके आप गार्डियन बनते हो। बट डेक्सोन में यह नहीं होता, डेक्सोन में जो आपने प्रीवियस अचीवमेंट किया हुआ है उसी के ऊपर आपको काम करना है। आपने ऑलरेडी 3S लेफ्ट में, 3S राइट में कर दिए हैं, उसी के ऊपर आप 4S लेफ्ट में और 4S राइट में कर दीजिए, आप गार्डियन बन जाओगे। सो यहाँ पे कंपनी आपके एफर्ट्स कम कर रही है। अब समझते हैं कि मैं जब बोलता हूं कि 3S आपके लेफ्ट में हो, 3S राइट में हो तो आप हेराल्ड बन जाते हो, तो ये एग्जैक्टली कैसे बनता है 3S?
ये आपका आईडी है, आपके नीचे एक लेफ्ट और राइट में एफिलिएट्स है, वो दोनों भी एक्टिव है, तो आप और आप भी एक्टिव हो, तो आप खुद एस बन गए हो, ये एस की कंसेप्ट है। अब आपके जो लेफ्ट एंड राइट में जो एफिलिएट्स थे वो उनके नीचे लेफ्ट एंड राइट को एक्टिव कर देते हैं, तो वो दोनों भी खुद एस बन जाते हैं। वैसे ही उनके नीचे वाले जो दो लोग हैं वो उनके नीचे वालों को, डाउनलाइंस को अगर एक्टिव कर देते हैं, तो ये खुद लोग भी एक्टिव एस बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लेफ्ट में एक एस, दो एस, तीन एस बन जाते हैं, राइट में एक एस, दो एस, तीन एस बन जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप हेराल्ड बन जाते हैं। चौथा और पांचवा इनकम टाइप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इनकम टाइप से ही आपको समझ में आता है कि कंपनी कितना हाई रिटर्न्स पे कर रही है, क्यों डेक्सट्रॉन को हाई रिटर्न प्लान बोला गया है, क्यों कंपनी ऐसे दावे कर रही है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स देती है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि एस अगर आप हो तो आपको 8% का डायरेक्ट और 8% का बाइनरी मिलता है। बाइनरी में आपको 8% से लेकर 20% तक बाइनरी मिल रहा है, विच इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर आप कैलकुलेट करोगे, बाइनरी का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, तो 20% तक आपको बाइनरी मिल रही है। प्लस जो बहुत पॉपुलर प्लान है जिनको बोला जाता है कि ये डेक्सट्रॉन इनसे कॉपी किया गया है, डेक्सट्रॉन का कॉम्पिटिशन है, उस प्लान में भी मिनिमम बाइनरी 300 है, और डेक्सट्रॉन के पास जो मिनिमम बाइनरी कैपिंग है वो $1,000 का है। दैट मीन्स कंपनी इज एक्चुअली पेइंग अ वेरी हाई रिटर्न, अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जो सामने दिख के आ रहा है और जो कैलकुलेशन सिस्टम में दिखा रही है, और कंपनी ये पे आउट दे रही है। हमने मिनिमम बाइनरी $1,000 से लेकर $10,000 तक रखी है। कंपनी ये दावा इसलिए कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास खुद का डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम है। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ, जानबूझ के दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी इज ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अराउंड 10 years in creating a system, in creating a technology which will make sure that there will be profitability every month. So forex trading से every month जो profitability होगा वो already assured है. So उस basis पे ही company ये सोचती है कि हमें high returns जो हम commit कर रहे हैं वो हम दे सकते हैं. Company direct जो percentage दे रही है वो भी आपको 8% का है. बहुत सारे companies में आप देखोगे सर आपको 1% का, 2% का, 5% का डायरेक्ट इनकम या रेफरल इनकम मिलता है। कुछ कुछ कंपनीज में जो अभी काफी पॉपुलर है उनमें भी आपको बोला जाता है कि पहले दो रेफरल्स पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तीसरे रेफरल से आपको रेफरल इनकम मिलना स्टार्ट होगा। मैं पूछता हूँ क्यों क्यों नहीं मिलेगा? पहला वाला भी आपका ही रेफरल है, उसमें भी आपने एफर्ट्स लिए हुए हैं, दूसरा वाला भी आपका ही रेफरल है, आपने उसमें उसके लिए भी एफर्ट्स लिए है, तो पहले दो के लिए क्यों नहीं? कंपनी आप डेक्सट्रॉन यहाँ पे आपको स्टैंड आउट करती है और आपको जितना भी डायरेक्ट इनकम हो रहा है उस पर आपको 8% का, 1% नहीं, 2% नहीं, 5% नहीं, 8% का डायरेक्ट, दैट मीन्स रेफरल इनकम दे रही है, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड अमाउंट। ये डायरेक्ट इनकम 20% तक दे रही है, मतलब अगर आप इमोर्टल हो तो आपको 20% का डायरेक्ट इनकम मिलता है जो भी डायरेक्ट बिजनेस आप करोगे उसके ऊपर। 12 फ्रीडम क्लब के लिए डेजिग्नेशंस है, अलग अलग 12 डेजिग्नेशन है, तो कंपनी ये डिसाइड कर चुकी है और कंपनी ये सोचती है कि जो भी डेली बेसिस पे बिजनेस हो रहा है, कंपनी का जो टर्नओवर हो रहा है उसका 1% हम सारे क्लब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो कंपनी ये सोचती है कि 12% डेली बिजनेस का निकाल कर सारे डेजिग्नेशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल एक लाख डॉलर का कंपनी का आज का बिजनेस हुआ है, उसका 1% बनता है $1,000। सो ये $1,000 कंपनी सोचती है कि इन सारे रैंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अब वो कैसे मिलेगा? अगर आप इंडिविजुअल आप एस हो तो आपको कैसे मिलेगा वो क्लब इनकम? तो कंपनी ये बोलती है कि $1,000 अगर मैं एस को दे रहा हूँ तो उस दिन सिस्टम में जितने लोग एस है उतने एस में वो $1,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब $1,000 के अगेंस्ट में अगर 1,000 एस उस दिन सिस्टम में है तो $1 सब लोगों में बटेगा, $1,000 तो सब लोगों को एक एक डॉलर मिलेगा।
अगर उस दिन सिस्टम में सिर्फ 100 एस अवेलेबल है, तो 1000 डॉलर 100 लोगों में बटेगा तो 10 10 डॉलर सबको मिलेगा। इसी हिसाब से क्लब का कैपिंग दिया गया है कि आपको ये इनकम तब तक मिलेगा जब तक आपका क्लब कैपिंग अचीव नहीं होता। जिस दिन आपका क्लब कैपिंग अचीव हो जाएगा, आपका वो 12 फ्रीडम क्लब इनकम स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको इनकम कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको अपना रैंक अपग्रेड करके आपका क्लब कैपिंग बढ़ाना पड़ेगा। अब हमने देखा कि कौन से टाइप के आपके इनकम आपको मिल रहे थे। अब आते हैं कि एक कंपनी आपको इस रेवेन्यू चार्ट के थ्रू ये बताना चाहती है कि आप कितने आइडियाज लगाओगे, तो आपका क्या कॉस्ट रहेगा और आपको साल भर में कितने रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये एक चार्ट में कुछ आइडिया उसके थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब 3 आईडी का अगर आप स्ट्रक्चर लगाते हो तो क्या होगा, 7 आईडी का लगाते हो तो क्या होगा, 31 का, 63 का, 127 का, ऐसे आप अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो आईडीज का, तो आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो हम अभी कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि 63 डॉलर का अगर हम आईडी क्रिएट स्ट्रक्चर करते हैं, तो मेरा पर आईडी के हिसाब से 50 डॉलर का जो है उसका अगर टोटल खर्चा जाए तो 3150 डॉलर आता है। 3150 डॉलर में मुझे मेरा रैंक बन जाता है क्रूसेडर, मेरे नीचे 2 गार्डियन रैंक बन जाते हैं, 4 हेराल्ड रैंक और 24 एस रैंक बन जाते हैं। उस हिसाब से मेरा टोटल सुपर मैचिंग बोनस जो है 52 वीक्स का वो बन जाता है 8120 डॉलर। मतलब आपने जो 3150 डॉलर इन्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट में आपको 8120 डॉलर मिल रहा है। यहाँ पे ही मतलब सुपर मैचिंग बोनस में ही आपको 3 गुना बोनस मिल रहा है, 3 गुना आपका इनकम हो रहा है। इसके अलावा बाइनरी और डायरेक्ट इनकम आपको इमिडिएटली नेक्स्ट डे पे बन रही है जो 546 डॉलर और 251 डॉलर है। उसके बाद आपको मिलता है पर आईडी, जो मैंने आरओआई आपको बताया था 100 डॉलर के हिसाब से आपको 63 आईडीज का 6300 डॉलर मिल रहा है। क्लब इनकम आपको मिल रहा है 1160 डॉलर। सो आपका टोटल इनकम बन जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16377 डॉलर। दैट मीन्स कि आप अगर 3000 डॉलर लगा रहे हो तो आपको 17000 डॉलर मिल रहा है, विच इज 6 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आपके पास 63 आईडीज के 524 के हिसाब से पर आईडी जो 524 आईडीज मिल रहे, डिक्सन कॉइन्स आपको मिल रहे थे इन 52 वीक्स, तो पर आईडी के हिसाब से आपके पास बन जाते हैं 33022 डिक्सन कॉइन्स। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि उस दिन 1 डॉलर भी मार्केट वैल्यू रहा डेक्सॉन कॉइन का, आप उसको एक्सचेंज भी कर लेते हो, तो आपके पास 33000 डॉलर्स बन जाते हैं आपके अकाउंट में, विच इज अ वेरी ह्यूज 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 प्रॉफिट एंड वेरी ह्यूज बिजनेस फॉर यू। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेक्सॉन कॉइन विल बी अ लाइफ चेंजर, विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ अगर आप उसको एक्यूमुलेट करके रखते हो तो। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने के पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। मतलब जो लोग बाइनरी स्ट्रक्चर में काम कर चुके हैं पास्ट में, उन लोगों को ये पता होगा, बट कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि कोई भी स्ट्रक्चर लगाने से पहले आपको खुद का आईडी एक्टिव करना बहुत जरूरी है। आप वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसमें आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा, आपको अपना आईडी पहले टॉपअप करना है, फिर उसके बाद आपको जो भी आईडीज आपको लगानी है, 15 आईडी, 31 आईडी, 63 आईडी, 127 आईडी, उनका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद जो ये इनकम दिखा है वो आपको सब मिलता रहेगा। गलती से अगर आपने आपका आईडी एक्टिवेट नहीं किया और आपका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे आपको बाकी इनकम तो मिलेगा फ्यूचर में जब आप अपना आईडी एक्टिव करोगे तब, बट आपका बाइनरी और डायरेक्ट इनकम का लॉस हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट द सिस्टम, इसीलिए अगले सैटरडे से मैं खुद विजय आप लोगों के सामने ट्रेनिंग सेशंस लेके आ रहा हूँ, डैशबोर्ड कैसे हैंडल किया जाए। ये ट्रेनिंग सेशन एवरी सैटरडे 2 टाइम पे होंगे,
जिसका पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आफ्टरनून में एक बार सेशन होगा और रात में एक बार सेशन होगा, जहां पे डिक्सड्रोन का पूरा डैशबोर्ड का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा ऑन लाइव जूम मीटिंग। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि कंपनी काफी अच्छे से प्लान करके इस मार्केट में उतर रही है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में खुद को डाइवर्सिफाई करके वहां से रेवेन्यू जनरेशन करना चाहती है, और इसीलिए कंपनी आप लोगों को इतने ज्यादा हाई रिटर्न्स कमिट कर रही है। कंपनी में आपने अभी डिपॉजिट कर लिया है, इनकम जनरेट कर लिया है, अब उसको निकाले कैसे? सो कंपनी ये बोलती है कि विड्रॉल के लिए सिर्फ तीन कंडीशंस है कि मिनिमम विड्रॉल आपके अकाउंट में $20 होने जरूरी है तो ही आप निकाल सकते हो, $20 के ऊपर आप जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हो, पूरा का पूरा अमाउंट भी आपने विड्रॉ कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट $20 कम से कम होने जरूरी है तभी आप वो निकाल पाओगे। जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट होंगी वो थर्सडे को प्लेस होंगी और जो भी पे आउट बनेंगे वो फ्राइडे को पे आउट बनेंगे। सो इन दिस वे यू विल अर्न योर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि आपकी विड्रॉल्स भी आपकी क्रिप्टो करेंसी में होंगी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में आपको आपका BTC, इथेरियम या फिर ट्रॉन के जरिए आपको जो भी आपका इनकम चाहिए वो इनकम आपको आपके एड्रेस पे चाहिए, वो एड्रेस आपको सिस्टम में अपडेट करना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी प्रोफाइल में आपका BTC का रिसीव का, इथेरियम का रिसीव का और ट्रॉन का ये रिसीव का एड्रेस अपडेटेड होना जरूरी है, तो ही आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस हो पाएगी। विड्रॉल के टाइम पे आपको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी करेंसी में आपको विड्रॉल चाहिए और फिर आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कंपनी ने मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कंपनी बिलीव करती है ट्रांसपेरेंसी में, इसलिए कंपनी ने डायरेक्टली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अपने वेबसाइट पर अटैच किया हुआ है। ये रही बेसिक प्रेजेंटेशन की बातें, अब मैं थोड़ा सा आपको कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताता हूँ शॉर्टली, और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। कंपनी ये बोलती है कि जो भी आपका इनकम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है ये आपको प्रूफ दिया जाएगा, हमेशा एवरी मंथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। कंपनी सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं होने के बावजूद नहीं होना चाहती, इसीलिए अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे कंपनी का खुद का ट्रैवल पोर्टल आ रहा है जहाँ पे आप एयर टिकट्स और होटल बुकिंग्स कर सकते हो, फिर इसके अलावा आपका डेक्सड्रॉन खुद का डेक्सड्रॉन एक्सचेंजर ला रहा है जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट्स के जरिए कंपनी बहुत हाई रेवेन्यू प्रोजेक्शंस कर रही है और कंपनी खुद का बेस बहुत स्ट्रांग बनाना चाहती है, ताकि जो भी हाई रिटर्न्स कंपनी ने कमिट किए हुए हैं वो आप लोगों को डिलीवर कर पाए। इसी तरह से कंपनी ये सोच में है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम का बेनिफिट उठा सके। एक वीक पहले कंपनी सिर्फ 5 कंट्रीज में अवेलेबल थी, अब कंपनी का एक्सपांशन हुआ है, कंपनी अब 15 कंट्रीज में अवेलेबल है, और ये एक्सपांशन सिर्फ आप लोगों के वजह से, आप जैसे लोग लीडर्स के वजह से ही वो हो पाया है जो इतना मेहनत ले रहे हैं। वी आर अवेलेबल ग्लोबली इन 15 कंट्रीज राइट नाउ एंड वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विद 15 कंट्रीज ऑफिशियली। वेरी सून कंपनी विल डाइवर्सिफाई इन टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। इसी बात के साथ मैं आप लोगों को और एक चीज का कमिटमेंट देना चाहता हूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना चाहती है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहती है, और इसीलिए कंपनी बहुत ही सटीक प्लानिंग के साथ मार्केट में उतरी है। आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे जा रहा है वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया जाएगा। डेक्सड्रॉन
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लीगली विद ट्रांसपेरेंसी डील किया जाता है और वो सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। मेरा यही बोलना है कि आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ, इस प्लान के साथ जुड़ सकते हो, वो जितना लोग जुड़िए। अभी तक हमारे सिर्फ 3 पे आउट हुए हैं, इस वीक हमारा 4th पे आउट है। दैट मीन्स कंपनी इज इनिशियल स्टेज, और इनिशियल स्टेज में एंट्री लेने का बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अपने अपलाइनर, आपके स्पॉन्सर्स के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर जाके आप एडमिन को क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज रेज कर सकते हो जो इमिडिएटली सॉर्ट आउट की जाएगी। इसके अलावा हमारे कंटिन्यूस जूम मीटिंग्स होते रहेंगे, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगले वीक से हम ट्रेनिंग सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, डैशबोर्ड के ट्रेनिंग सेशंस, जो अटेंड करके आपको पूरे सिस्टम के बारे में, हाउ टू हैंडल इट, वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कुछ ट्यूटोरियल वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी पेशेंट ऑडियंस, एंड वी आर होपिंग यू टू बी अ डेक्सट्रॉन फैमिली वेरी सून। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।